योगा एक विज्ञान है जो कि पश्चिमी विज्ञान से कहीं ज़्यादा आधुनिक है। नमस्कार दोस्तों, मैं मुक्तेश मॉडर्न बाबा से। हम सभी वराह अवतार के बारे में जानते हैं। हमारी धरती किसी कारण से डूब रही होती है, तब भगवान विष्णु वराह अवतार अतः सुअर के अवतार में आते हैं और धरती को डूबने से बचा लेते हैं। बेशक ये कहानी रोचक हो सकती है, पर यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस चित्र में हमारी पृथ्वी का आकार गोल है, मतलब हम भारतीय 10,000 साल पहले से जानते थे कि पृथ्वी गोल है, जिस बात को यूरोप और अमेरिका ने कुछ दशकों पहले ही स्वीकार किया। एक और तथ्य जो इस बात को सपोर्ट करती है वो ये कि हम ज्योग्राफी को भूगोल के नाम से पढ़ते हैं। भू का अर्थ होता है धरती और गोल का मतलब तो सभी जानते ही हैं। तो हम कई हजार साल पहले से जानते थे कि धरती गोल है, नहीं तो हम भूगोल के बजाय भू चपाट नाम से इस विषय को पढ़ते। हम पृथ्वी को जगत भी कहते हैं। जगत का मतलब होता है जिसकी गति है। इसका मतलब हम जानते थे कि पृथ्वी गोल है और ये रुकी हुई नहीं बल्कि घूम रही है, और ये सब हजारों साल पहले। अब हम थोड़ा अंतरिक्ष की बातें कर लेते हैं। एक तारा है जिसे एंटारिस कहते हैं। आसमान में यह 15वां सबसे ज़्यादा चमकने वाली चीज़ है, फिर भी हमारे पूर्वजों ने इसे ज्येष्ठा कहा। ज्येष्ठा का अर्थ होता है सबसे बड़ा या सबसे बुजुर्ग। सोचने वाली बात यह है कि और भी तारे हैं जो इससे ज़्यादा चमकते हैं, फिर भी वो 15वें नंबर पे चमकने वाले को ही सबसे बड़ा क्यों कह रहे हैं? पता चला वो सही निकले। ये तारा हमारे सूर्य से 40,000 गुना बड़ा है। इनफैक्ट इंसानों की जानकारी में ये सबसे बड़े चीज़ों में से एक है। गौरतलब है कि कैसे कुछ लोग आज से 5 से 7 हज़ार साल पहले आसमान में चमक रहे एक बिंदु को सबसे बड़ा कह सकते हैं। हम सभी सप्तऋषि तारामंडल के बारे में जानते हैं, जिसे इंग्लिश में अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन कहा जाता है। इसमें से हम इस तारे में इंटरेस्टेड हैं। ये एक तारा नहीं है बल्कि ये 2 तारे हैं। ये खुद में एक बड़ी बात है, ये जानना कि आसमान में चमक रहा एक बिंदु एक तारा नहीं बल्कि 2 तारे हैं। इसका नाम अरुंधति वशिष्ठ है। दक्षिण भारत में एक ट्रेडिशन के अनुसार शादी के बाद पति पत्नी को इस तारे की ओर देखने को कहा जाता है। ज़्यादातर ट्विन स्टार सिस्टम्स इस प्रकार से घूमते हैं। एक हस्बैंड और वाइफ को ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, पर अरुंधति वशिष्ठ ऐसे रोटेट करते हैं। पहली बात कि ये ट्विन स्टार सिस्टम है, दूसरी बात कि ये इस तरीके से नहीं बल्कि उस तरीके से घूम रहा है, ये कोई आसान बात तो नहीं लगती, और तीसरी बात ये कि ये सब बिना टेलीस्कोप के पता करना। चलिए मेटलर्जी के बारे में कुछ बात करते हैं। कुछ स्तंभ ऐसे हैं जो जंग रोधी यानी रस्ट प्रूफ हैं। सबसे प्रचलित दिल्ली में कुतुब मीनार के सामने में है। यह 1,000 साल पुराना है और दिल्ली की प्रदूषण भी इसका कुछ नहीं कर पाई। और दूसरा कर्नाटक के कोल्लूर में है, जहाँ 750 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष वर्षा होती है, वो भी पूरे 6 से 8 महीनों तक, और ये 2400 साल पुराना है। दूसरे स्तंभ के बारे में खास बात यह है कि इसे किसी एक्सपर्ट ब्राह्मण ने नहीं बनाया, बल्कि वहाँ के कबीले के लोगों ने आदि शंकराचार्य के स्वागत में बनाया था। 4,000 साल पहले से सिर्फ भारत के पास जिंक को उसके ओर से अलग करने का ज्ञान था। पूरी दुनिया में यह ज्ञान भारत के अलावा किसी के पास नहीं था, क्योंकि जिंक 997 डिग्री सेंटीग्रेड में तरल होता है और यही जिंक 1000 डिग्री सेंटीग्रेड में भाप बनकर उड़ जाता है। तो सिर्फ 3 डिग्री के फासले में ही हमें जिंक निकालना होता है, और ये बहुत ही मुश्किल है। आमतौर पर डिस्टिलेशन में क्या होता है, एक फर्नेस होता है जिसमें नीचे से कुछ गर्म हो रहा होता है और वह ऊपर से निकलकर दूसरे जगह इकट्ठा होता है। पता है हम भारतीयों ने क्या किया? हमने उस बर्तन को उल्टा कर दिया और आग को हमने ऊपर से लगाया। 997 डिग्री सेंटीग्रेड में जिंक लिक्विड बनकर नीचे टपकता। नीचे में हमने एक बर्तन रखा जिसको हमने चारों तरफ बर्फ से घेर लिया,
जैसे ही जिंक नीचे टपकता वो तुरंत ठोस हो जाता। इस तकनीक को भारत ने 4000 साल तक के रहस्य रखा। अगर किसी को जिंक लेना होता तो वो भारत के पास ही आता। फिर कुछ शतक पहले एक चीनी आदमी ने यह तकनीक चुरा ली। उसके बाद एक अंग्रेज ने चीनियों से वो तकनीक ले ली। उस ब्रिटिश का नाम विलियम चैंपियन था, जिसने 1773 में इंग्लैंड का सबसे पहला जिंक डिस्टिलरी बनाया। हमें बताया जाता है कि भारत को वास्को डी गामा ने खोजा, लेकिन सत्य घटना जो कि वास्को डी गामा ने खुद अपनी जर्नल में लिखा है वह कुछ और है। वास्को डी गामा के पास यूरोप का सबसे बड़ा जहाज हुआ करता था। वो नक्शे के मुताबिक दक्षिण अर्थात नीचे की ओर आए और समंदर से बचते हुए धरती के किनारे किनारे ही चलते रहे और सबसे नीचे केप ऑफ गुड होप पहुंच गए। वहां पर वो पहुंच के सोचने लगे कि अब क्या करें, क्योंकि वहां से भारत जाने के लिए उन्हें खुला समंदर पार करना होता। वहां उनकी मुलाकात एक गुजराती से हुई जिनका नाम कान्हा था। कान्हा भाई एक व्यापारी थे जो कि भारत से ही थे। उनके पास जो जहाज था वो वास्को डी गामा के जहाज से 12 गुना बड़ा था। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि वास्को डी गामा के पास उस समय का इंग्लैंड का सबसे बड़ा जहाज हुआ करता था और कान्हा भाई के पास उससे भी 10 से 12 गुना बड़ा जहाज था, जो कि सिर्फ एक व्यापारी जहाज था, कोई युद्धपोत नहीं था। तो कान्हा भाई ने अपने 3 जहाज के साथ वास्को डी गामा को अनुरक्षण करते हुए भारत के गोवा तक लाए। हम और भी ऐसी बातें कर सकते हैं जो कि भारत के महानता के बारे में हो। यहाँ सिर्फ ये बात हमें जानना है कि भारत के पास ढेर सारा ज्ञान का भंडार था, वो भी हजारों साल पहले। जब यूरोप धनुष बाण से हिरण का शिकार कर रहे थे उस समय भारत जिंक निकाल रहा था। अब सोचने वाली बात यह है कि भारत के पास इतना ज्ञान आखिर आया कहाँ से। इसका एक आसान सा जवाब है कि भारत के सभी ऋषि मुनि ही यहाँ के वैज्ञानिक हुआ करते थे। वे सभी प्राणायाम करते थे, वे सभी योगा करते थे और वे सभी मेडिटेशन करते थे। होता क्या है कि जब हम बहुत सालों तक योगा मेडिटेशन और प्राणायाम कर लेते हैं तब हमारा शरीर भौतिक सीमाओं से बाधित नहीं होता। अगर हम बाहर अंतरिक्ष की जानकारी लेना चाहते हैं सिर्फ आंखें बंद करके हम वहां पहुंच सकते हैं। अगर हम एक एटम के अंदर की जानकारी पाना चाहते हैं तो हमें आंखें बंद करना होगा और वो हमारे सामने होगी और फिर हम उसे खुद महसूस कर रहे होंगे, तो जो जानकारी होगी वो बिल्कुल सही होगी। इसी मेडिटेशन से ही हम अरुंधति वशिष्ठ 3 स्टार सिस्टम के बारे में जान पाए और एक जंगरोधी स्तंभ बनाने में कामयाब हुए, जैसा आज तक और किसी ने नहीं बना पाया। इन सब का यही निष्कर्ष निकलता है कि अध्यात्म ही विज्ञान का आधार है और अध्यात्म खुद में ही एक विज्ञान है जिसकी पश्चिमी विज्ञान से अलग प्रक्रिया होती है। और यह अपार ज्ञान का भंडार जो कि हम भारतीयों के पास आज भी है, उसे योजनाबद्ध तरीके से अंग्रेजों ने तबाह करने की कोशिश की। उन्होंने भारत का इतिहास फिर से लिखा। जब वो यहाँ से गए तो हम भारतीयों को हमारी ही परंपरा और संस्कृति पर शर्म करने की विरासत छोड़ गए। अगर हम उन ऊंचाइयों को दोबारा हासिल करना चाहते हैं तो हमें योगा और मेडिटेशन सही तरीके से करना होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे कृपया लाइक करें और इसी प्रकार की और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।